जबलपुर के होम साइंस कॉलेज का सैकड़ों छात्राओं ने घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से भी एनएसयूआई के छात्र छात्रा भिड़ गए। पुलिस लगातार छात्रों को समझाइश दे रही थी, पर छात्र थे कि जबरन प्रिंसिपल के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो छात्र छात्राएं पुलिस से झड़प करने लगे। लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए कॉलेज में चार थानों की पुलिस पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाइश देने में जुटे रहे। नाराज छात्रों का कहना है कि सेकंड ईयर में एक साथ सैकड़ों छात्राओं को फेल कर दिया गया और जब मूल्यांकन के लिए आवेदन किया गया तो वह भी नहीं किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना किसी वजह से छात्राओं को फेल किया जा रहा है। वहीं पीजी डिप्लोमा वाली जो 11 छात्राएं थी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और एग्जाम ले लिया गया, नतीजन वह फेल हो गई। वहीं हाल में ही हुए एटिकेट के एग्जाम में भी छात्राओं और भी कम नंबर आए। परीक्षा में फेल होने से नाराज छात्राओं ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कॉलेज का घेराव किया और फिर तालाबंदी कर दी। पुलिस छात्राओं को समझाइश देती रही पर छात्राएं थी कि अपनी मांगों पर अड़ी रही। छात्राओं की मांग है कि उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, जबलपुर।